नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हुंडई की। दोस्तों हुंडई का जब नाम आता है तो दोस्तों क्रेटा का सबसे पहला नाम आता है, और उसके बाद i20 और i10 कार का भी नाम दोस्तों हुंडई के साथ में आता है, क्योंकि हुंडई कंपनी की ही i10 कार है। दोस्तों i10 के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसी दोस्तों छुपा रुस्तम कार है कि इस गाड़ी के बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती, लेकिन दोस्तों ये गाड़ी कामयाब बहुत ज़्यादा है और फैमिली पैक कार है। दोस्तों ये सबसे बढ़िया कार है, जिस प्रकार दोस्तों मारुति की स्विफ्ट गाड़ी जितना फैमिली के लिए बेटर होती है गाड़ी, उतनी ही हुंडई की दोस्तों i10 गाड़ी भी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। और इसी कार के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, इसकी माइलेज के बारे में, इसके इंजन के बारे में, और ये कितने BHP की कार है, और दोस्तों इसके बारे में नॉर्मल बेसिक जानकारी आपको दूंगा दोस्तों। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन आ रहा है उसको दबा देना, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और घंटी वाले बटन को भी दबा देना जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो दोस्तों करते हैं आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों करते हैं आज का ये वीडियो हमारा स्टार्ट, और बात करते हैं दोस्तों हुंडई की i10 कार के बारे में। i10 के बहुत सारे वेरिएंट है दोस्तों आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं, जिसके अलग अलग नाम से ये गाड़ी जानी जाती है, जिसमें एरा के नाम से ये गाड़ी जानी जाती है दोस्तों, और मैग्ना के नाम से जानी जाती है, और स्पोर्ट्स के नाम से जानी जाती है, एस्टा के नाम से जानी जाती है, और अलग अलग नाम इस गाड़ी के मार्केट में आपको मिलेंगे दोस्तों। और इसके जितने भी वेरिएंट है उन सभी की कीमत आपको मैं बेसिक कीमत इस गाड़ी की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से आपको देखते रहना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी की कीमत के बारे में। हुंडई ग्रैंड i10 कार दोस्तों, इस गाड़ी की कीमत 5,39,000 रुपये से स्टार्ट होकर 8,11,000 रुपये तक एक्सोरूम प्राइस दोस्तों इस गाड़ी की जाती है, और इसी के बीच में जितना भी पेमेंट आता है दोस्तों 5,40,000 से 8,11,000 रुपये तक की जो पेमेंट है, इसके बीच में बहुत सारे वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, और सभी के सभी पेट्रोल वेरिएंट आपको गाड़ी के मिलेंगे, जिसमें CNG भी गाड़ी आपको मिल जाएगी दोस्तों। हुंडई की i10 CNG भी अवेलेबल हो चुकी है दोस्तों, और इसकी जो बेसिक इस गाड़ी का जो मॉडल है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इस गाड़ी का बेसिक मॉडल है ग्रैंड i10 NIOS न्योस नाम से इस गाड़ी को लॉन्च किया गया दोस्तों। इसका एरा मॉडल है ये ERA, एरा का मतलब ये गाड़ी का मॉडल है दोस्तों, और इस मॉडल की कीमत 5,39,000 रुपये बेसिक कीमत है दोस्तों इस गाड़ी की। इतना पैसा गाड़ी को लेने के लिए पे करना होता है, यानी 5,40,000 रुपये में इस गाड़ी का बेसिक जो बेस मॉडल है दोस्तों वो आपको मिल जाएगा। इस मॉडल से ऊपर दोस्तों जाएंगे तो आपको मिल जाएगी मैग्ना, और मैग्ना की कीमत 6,09,000 रुपये दोस्तों पे करनी होती है। उससे आगे फिर एस्टा आ जाती है, एस्टा की कीमत 7,53,000 रुपये है, और दोस्तों ये एस्टा जो कार है ग्रैंड i10 न्योस एस्टा जो कार है दोस्तों, इस गाड़ी ये गाड़ी टॉप सेलिंग कार है दोस्तों मार्केट के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ ये गाड़ी टॉप सेलिंग है, यानी जितने भी i10 के वेरियंट है इनमें सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार एस्टा ही है दोस्तों। एस्टा की टॉप सेलिंग गाड़ी ये बताई जाती है। 7,53,000 रुपये दोस्तों इस गाड़ी की कीमत है, और इसके आगे जो टॉप वेरिएंट है इस गाड़ी का वो है दोस्तों ग्रैंड i10 न्योस AMT एस्टा, यानी ऑटोमेटिक गाड़ी, ट्रांसमिशन वाली गाड़ी आपको मिल जाएगी, और एस्टा नाम से ये गाड़ी है दोस्तों। इस गाड़ी की कीमत 8,11,000 रुपये पे करनी होती है, और इसके इंजन के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों, जिससे आपको इसकी बेसिक जानकारी मिल सके। इस गाड़ी की जो माइलेज है कंपनी के थ्रू दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, 20 की माइलेज ये गाड़ी दे देती है दोस्तों ये बताया जाता है। और इसके इंजन के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका इंजन 1197 cc का इंजन गाड़ी के अंदर डाला गया है, जो काफ़ी पावरफुल इंजन है दोस्तों। इसका जो BHP 98.63 यानी 98.63 की ये BHP दोस्तों जनरेट करती है ये गाड़ी। इसके अंदर आपको ट्रांसमिशन मैनुअल भी मिल जाता है, और ऑटोमेटिक भी अवेलेबल है टॉप मॉडल के अंदर,
टॉप वेरिएंट के अंदर आपको ये गाड़ी ऑटोमेटिक भी मिल जाती है दोस्तों। इसके अलावा ये 5 सीटर कार है और एक फैमिली कार इसको माना गया है दोस्तों। और सबसे बढ़िया कार में इस गाड़ी का नाम भी आता है दोस्तों, यानी जो फैमिली बढ़िया टॉप गाड़ी होती है दोस्तों फैमिली के लिए, तो उस गाड़ी की कैटेगरी के अंदर इस गाड़ी का भी नाम बहुत ही टॉप कंडीशन में रखा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये गाड़ी फैमिली के लिए सबसे बेस्ट कार है दोस्तों। इस गाड़ी की जो माइलेज है वो भी लाजवाब है और इस गाड़ी की जो पावर है वो भी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त पावर है इस गाड़ी की। 1197 cc का गाड़ी का इंजन है। तो दोस्तों ये गाड़ी सबसे ज़्यादा कामयाब कार है एक फैमिली के लिए दोस्तों। इस गाड़ी के बारे में और भी जानकारी अगर आपके पास है तो आप इस कमेंट बॉक्स के अंदर नीचे अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों, जिससे आपकी राय मेरे तक पहुंचेगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब नाम लिखा हुआ बटन है दोस्तों उसको दबा देना, बिल्कुल फ्री है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट ये बटन है, इसको दबा दो। इससे चैनल की जो सदस्यता है वो आपको मिल जाती है दोस्तों, जिससे हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर देना साथ में, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचेंगे दोस्तों। और मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत।